सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ये लाल सब्सक्राइब बटन दबा के, उसके बाद प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानिक सैनी और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू स्पीक फ्रेंच का लेसन 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज ही अपने चैप्टर में हम सीखेंगे सबसे पहले कुछ नंबर्स, उसके बाद कैसे हमने आपको करना इंट्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सीखा है नंबर्स को 1 से 20 तक, तो आज हम सीखेंगे 21 से 30 तक। चलिए शुरू करते हैं। तो 21 को हम बोलेंगे वैंग ते अ। क्या बोलेंगे? वैंग ते अ। और इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। क्या बोलेंगे? वैंग ते अ। ओके, अगला है 22। तो 22 को हम बोलेंगे वैंग द। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब 23। सो गाइस, 23 को हम बोलेंगे वैंग त्रुआ। क्या बोलेंगे? वैंग त्रुआ। अगला है 24, इसको हम बोलेंगे वैंग कात्र। क्या बोलेंगे? वैंग कात्र। और इसको लिखेंगे कुछ हम इस तरीके से। ओके, अगला है 25, जिसको हम बोलेंगे वैंग सैंक। क्या बोलेंगे? वैंग सैंक। ओके, और लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर 26, जिसको हम बोलेंगे वैंग सिस। वैंग सिस, और लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर 27, जिसको हम बोलेंगे वैंग सेट। क्या बोलेंगे? वैंग सेट, और इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर 28, जिसको हम बोलेंगे वैंग हुइट। क्या बोलेंगे? वैंग हुइट। फिर 29, जिसको हम बोलेंगे वैंग नर्फ। क्या बोलेंगे? वैंग नर्फ। ओके, और इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से। ओके, फिर है अगला 30, जिसको हम बोलेंगे थ्रॉन्ट। क्या बोलेंगे? थ्रॉन्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इनको लिख लिया है, आप इनकी स्पेलिंग देख लीजिए। चलिए हम इनको फिर से दोहराते हैं। वैंग ते अ, वैंग द, वैंग त्रुआ, वैंग कात्र, वैंग सैंक, वैंग सिस, वैंग सेट, वैंग विट, वैंग नर्फ और थ्रॉन्ट। ओके, आप इनकी स्पेलिंग्स को एक बार देख लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम सीखते हैं कि हम कैसे करें अपने आप को इंट्रोड्यूस। तो फ्रेंड, जब अपने आप को करते हैं इंट्रोड्यूस, तो हम उसमें सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, राइट? चलिए वो सीखते हैं कि हमारा नाम कैसे होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यम। तो हम यम को लिखते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम लिखेंगे आपेल। क्या लिखेंगे? आपेल। और फिर लिखेंगे अपना नाम। तो मेरा नाम है मानिक, तो मैं यहाँ लिखूंगा मानिक। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि हम इसे बोलेंगे कैसे। तो हम इसे बोलेंगे श्यामापेल। क्या बोलेंगे? श्यामापेल। ओके, तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बोलता है यम है और ये है आपेल, तो अब हम इसे माँ क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी ये बात मैंने आपको अपनी पहले वाले जो वीडियो है मैंने बताई है उनमें भी। ठीक है, मैं आपको बताया था दोबारा कि जब भी ये जो है अपोस्ट्रॉफी लगती है तो उससे पहले वाला अल्फाबेट और जो उससे बाद वाला हो जाता है अल्फाबेट, उसका साउंड हो जाता है मिक्स, उसका साउंड मिक्स होता है। तो ये हो जाएगा माँ, तो ये हो जाएगा श्यामापेल। क्या हो जाएगा? श्यामापेल। तो हो जाएगा ये श्यामापेल मानिक। चलिए जानते हैं कि हम अपनी वो कैसे बताएं एज। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ये। फिर हम लिखेंगे अपनी एज के हम कितने साल के हैं। तो मैं 12 इयर्स का, तो 12 को हम लिखेंगे दूस। और लिखेंगे ओ।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम बताते हैं कि हम कैसे हम वो कर सकते हैं कि हम बताएं कि हम क्या काम करते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। तो देखिए ऐसे 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 लिखना है, जो सीयू, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एतुडियों, इसका मतलब होता है स्टूडेंट। ओके, मैंने लिख दिया। ओके, अब हम बताते हैं कि हम कैसे हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, है ना। तो ऐसे ही लिखेंगे, लिखेंगे यो सीयू पेटी, और इसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, अब चलिए लिखते हैं, यो सीयू इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है कि हम हैं इंटेलिजेंट। चलिए हम जानते हैं कि हम ये कैसे पता है कि हम कहाँ के हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम पहले यो, हम लिखेंगे हाबीते, हाबीते लिखेंगे हम यहाँ पे आ, और मैं रहता हूँ इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली, तो रहेगा यो हाबीते आ दिल्ली। तो मैंने अपने आप को कर दिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस, राइट। तो अब चलिए जान लेते हैं इसकी कुछ बारीकियां। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने सबसे पहले यूज लिया है प्रोनाउन का, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप देख रहे हैं यो 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 यो, ये हर जगह पर जो है ये है प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है आई, ठीक है। अब अगर आपको किसी थर्ड पर्सन को करना है इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे प्रोनाउन, और थोड़ी बहुत चेंजेस और होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप एक गर्ल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेलिजेंट पेटी एतुडियो, यहाँ पे आ जाएगा एक ई, ठीक है ना। और अगर आप एक बॉय है, तो ई नहीं आएगा। तो ये जो है पेटी और इंटेलिजेंट, ये है एडजेक्टिव। तो इनको अगर आपको और ज्यादा बारीकी समझना है, तो आप मेरे पहले वाली वीडियो उनको देख सकते हैं। ओके, और ये जो है जोस्यू जोस्यू जोस्यू, ये एक वर्ब है, इसका नाम है एत्र। अगर आपको वर्ब एत्र को बहुत ज्यादा समझना है अच्छे से, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो मैंने लिया है ये, जिसमें मैंने बताई अपनी एज, इसमें जो वर्ब को यूज लिया है ये है अवार। अगर आपको इस वाली वर्ब को भी अच्छे से समझना है, तो आप मेरे जो पहले वाली वीडियो उनको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो हमने अभी तक हमने ये चीज समझ ली है कि हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, चाहे हम एक बॉय हो या एक गर्ल हो, ठीक है। तो अगर हम बॉय हैं और गर्ल हैं, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, सेम सेम चीजें फॉलो होती हैं। फिर लगता है एक ई, और ई भी वही लगता है जहां भी होता है एक एडजेक्टिव, राइट। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इंट्रोड्यूस एक थर्ड पर्सन को, चाहे वो एक बॉय हो या एक गर्ल हो। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी थर्ड पर्सन को करते हैं इंट्रोड्यूस, तब क्या होता है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, और जो मेन चेंज होता है वो होता है हमारे प्रोनाउन में, ठीक है ना। तो हम बस वही चेंज करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और बस थोड़े बहुत चेंजेस और होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करके इंट्रोड्यूस एक बॉय को, ठीक है। अगर बॉय मैन जो मेल है उन सब में सेम रहेगा, और जो फीमेल है उनमें सब कुछ सेम रहेगा। चलिए एक बॉय को करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इल, और इल भी है एक प्रोनाउन, तो यहाँ पे लिखेंगे इल, लिखेंगे हम जापेल। और फ्रेंड मैं बता दूं कि जो इल है इसका मतलब होता है ही। ओके, और अगर आपको जो प्रोनाउन है इनको भी समझना है और अच्छे से, तो आप मेरे जो पहले वाले वीडियो उनको दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने दोस्त का नाम, या फिर हम जिस भी थर्ड पर्सन को कर रहे हैं इंट्रोड्यूस उसका नाम। तो यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ एग्जांपल अनीश। ओके, अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले बताते हैं इसकी एज। तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आ जाएगा एक एल, फिर एक आ, और फिर इसकी एज, तो नंबर जो लिखेंगे, तो ये 12 इयर्स की एज है इसकी, फिर डूज, और फिर ओ। ओके,
फिर इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो एल ए पेटी, ओके इसका मतलब भी है शॉर्ट। और फिर एल ए बो, इसका मतलब होता है हैंडसम। चलिए बताते कि ये कहाँ रहता है। तो इल हाबिते आर, तो ये भी रहता है इन दिल्ली, तो यहाँ पे भी आएगा दिल्ली। इल हाबिते आर दिल्ली, ओके। तो मैंने कर दिया है इंट्रोड्यूस एक थर्ड पर्सन को जो कि मेल है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस जो कि फीमेल है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम एक थर्ड पर्सन को करते हैं इंट्रोड्यूस, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कोई भी चेंजेस नहीं होते। अगर हम करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो हम देख सकते हैं कि हाँ उससे थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल में कोई चेंज नहीं होता। उसमें सिर्फ चेंज होता है प्रोनाउन, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम किसी फीमेल थर्ड पर्सन को कैसे कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, ओके ओके गाइस। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एल, यहाँ पे आएगा एल, इसका मतलब होता है शी। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको अगर प्रोनाउंस को भी अच्छे से जानना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो हाँ उसको देख लीजिएगा, इससे आपको फ्रेंच को और अच्छे से समझने में ज्यादा होगी आसानी, ठीक है। तो एल और जापेल, एल जापेल, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पॉलिन। ये पॉलिन एक फ्रेंच नेम है, ओके। अब चलिए देखते हैं एल आ ओन्स ओ, इसका मतलब होता है 11। ओन्स का मतलब होता है 11। तो आप देख सकते होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जैसे हमने मेल थर्ड पर्सन और में बताया था, बस चेंज है इल और एल का, राइट। चलिए आप थोड़ी और इसको बारीकी समझ लेते हैं। अब जैसे कि आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे लिखेंगे एल ए। तो फ्रेंड्स हमने जो मेल वाला था थर्ड पर्सन उसमें भी हमने यही यूज करा था ए, जो वो था इल उसके साथ, यहाँ पे हम यूज करेंगे ए, क्योंकि जो वर्ब होती है एत्र उसके साथ यही होता है सूटेबल। तो अगर आपको वर्ब जो ए थे उसको भी अच्छे से जानना है तो आप हमारी जो पहले वाली वीडियो है उनको देख सकते हैं, ओके। चलिए हम आगे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैटी फिर से। तो अब आप देखेंगे कि ये गर्ल है यानी फीमेल है, तो यहाँ पे ई लग जाएगा, ठीक है। फिर एल ए इंटेलिजों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी लगेगा ई क्योंकि ये फीमेल है, ओके। चलिए बता दें कि कहाँ रहती है। तो एल हैबिटे आ फ्रांस, इस तरीके से आप देखते हैं कि हमने इसको भी कर दिया इंट्रोड्यूस। एडजेक्टिव वाली वीडियो है उनको भी आप देख लीजिए एक बार, तो इससे क्या होगा आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा समझ में और इजीली और अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कई और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।